गीडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 13 में सुबह 4:35 पर क्रेजी बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर 2 टैंकरों के साथ गीडा फायर विभाग की टीम पहुंची तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह खुद अपने साथ 4 फायर टैंकर लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंचते ही आग से ज्यादा जरूरी फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए मजदूरों को सकुशल बाहर निकालना चुनौती था तथा सभी मजदूर सेकेंड फ्लोर के ऊपर फंसे हुए थे तथा कुछ मजदूर धुआं के बीच भी फंसे हुए थे। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया तथा कई लैडर और छोटी सीढ़ी का प्रयोग करते हुए फंसे हुए मजदूरों को एक एक करके सेकेंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तथा फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लाकर मजदूरों को देखभाल करते हुए सुरक्षित स्थानों पर सकुशल बाहर निकाला गया तथा सर्च ऑपरेशन चलाकर सभी जगहों का जांच किया गया कि कहीं कोई मजदूर फंसा हुआ तो नहीं है। जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि रेस्क्यू और आग बुझाने का कार्य दोनों एक साथ चल रहा था तथा आग का विकराल रूप देखते हुए फायर स्टेशन गोलघर से दोबारा 4 और फायर टैंकर का मांग किया गया तथा सभी फायर टैंकरों से आग को चारों तरफ घेर लिया गया, जिससे आग को फैलने से रोका गया तथा फैक्ट्री के मुख्य भवन को जलने से बचा लिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने बताया कि आग बुझाने में कुल 10 फायर टैंकरों का प्रयोग किया गया तथा आग इतनी विकराल थी कि जेसीबी लगवाकर फैक्ट्री का दीवार तोड़ा गया। इसके बावजूद फायर सर्विस जनपद गोरखपुर के लगभग 45 कर्मचारी व कुल 10 फायर टैंकर के साथ लगातार 3 घंटे तक परिश्रम के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि आग लगने का कारण व नुकसान की अभी जांच की जा रही है तथा बहुत रॉ मटेरियल अत्यधिक गर्म तथा मलवा होने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बचाव कार्य में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह, रमेश यादव, शैलेश सिंह, सत्यवान सिंह, रामानुज यादव, अभिषेक सिंह, ब्रजेश सिंह, निर्भय राय, वसंत नारायण, विंध्यवासिनी सिंह, जयराम गौड़, मनोज सिंह, पुनित मिश्रा, अभिलाष, मनोज दुबे, राहुल कुमार, विश्व दीपक मद्देशिया, आनंद राय, ज्ञान बहादुर, अमित कुमार सहित रंजीत गौड़ शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा, बढ़िया गया भैया, वो तो तनिक खींच ले ही तो आराम से बच्चे, आराम से, घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं बेटा, आराम से, आराम से, आराम से। अच्छा, कमरे के अंदर कोई नहीं है? पक्का? पक्का कोई नहीं है, सब छत पे हो ना? हाँ, आओ आओ आओ, शाबाश, इधर तक भी चलो। राम सारा बाबू सर, एक एक पैर, एक एक पैर सर, सर आया है, अरे ऐ जा एक जगह ना खड़े हो, आओ इधर आ, एक जगह मत खड़े हो, ऐ इधर आ, इधर आ, एंगल देख के आओ, एंगल पे लोहे वाला जान कसा हुआ है, एंगल पे आओ, आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ, आपको आराम से जो जो कसा हुआ उसे आओ बेटा, पकड़ के आओ, फोटो भी खींचो, गाड़ी बंद।
वाले यहाँ तो वो लोग उस पर आ सकते हैं, ऊपर वाले नहीं ऊपर आ रहे हैं। सीढ़ी लग गई है, सीढ़ी लग गई है, आ रहे आ रहे आ रहे एक उधर आया है, बाकी और बाकी आ रहे हैं। चार बज के 35 मिनट पर फायर सर्विस के कंट्रोल रूम पे सूचना मिलती है कि गीजा सेक्टर 13 में क्रेजी फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। फायर सर्विस कंट्रोल रूम द्वारा गीडा में जो फायर स्टेशन है एकदम बिल्कुल पास में है, वहाँ से सूचना भेजी गई, वहाँ से दो गाड़ियाँ तत्काल घटनास्थल के प्रस्थान हुई। सूचना में बताया गया कि उसमें काफ़ी लोग बहुत संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं, जिसको गंभीरता को देखते हुए दो गाड़ी वहाँ से और चार गाड़ी गोलघर गोरखपुर से घटनास्थल के प्रस्थान हुई। मैं भी स्वयं साथ मौके पर पहुँचा और मैं पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर आग काफ़ी विकराल रूप से जल रही थी और गीडा फायर स्टेशन की टीम एक टीम फायर फाइटिंग कर रही थी और दूसरी टीम रेस्क्यू कर रही थी। वहाँ पे सीढ़ी के रास्ते से काफ़ी लोगों को गीडा के कर्मचारियों द्वारा निकाला गया। मैं पहुँच गया तो वहाँ पे काफ़ी जीना आग और धुएं की चपेट में आ जाने से अब लोग इससे निकल नहीं पा रहे थे, तो मेरे द्वारा उन सबको छत पे ऊपरी फ्लोर पे जाने के लिए कहा गया, जिसपे लगभग 8 लोग जो है छत के ऊपरी फ्लोर पे चले गए। फायर सर्विस द्वारा एक टीम फायर फाइटिंग के लिए लगी रही और दूसरी टीम जो है कि रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जीव रक्षा करना, जिसको देखते हुए मैं स्वयं वहाँ पर नेतृत्व कर रहा था। और एक सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर पर लगाया गया जो एस्बेस्टस की सीट थी, एस्बेस्टस सीट की छत पर से फिर दूसरी सीढ़ी लगा के सेकेंड फ्लोर पर उसमें से फंसे हुए व्यक्तियों को, जो कि काफ़ी डर से भयभीत थे और कांप रहे थे, जिनको हौसला बढ़ाते हुए उनको धीरज उनको ढांचा बढ़ाते हुए कि एक एक करके सबको सुरक्षित निकाल दिया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग मौके पर पहुँच चुके हैं, जिससे आपस में जल्दीबाजी होड़ ना मचाएं कि कौन पहले आएगा। और एक एक करके हम लोगों ने सबको सुरक्षित जो है एस्बेस्टस सीट पे उतार के किनारे से दीवार के रास्ते से जो दूसरी सीढ़ी हमारी ग्राउंड फ्लोर लगी थी उसके सहारे सबको बाहर निकाला गया और उनको खुले स्थान पे जहाँ पे धुआं और आग नहीं था एकांत खुले स्थान पे उनको ले जाके वहाँ पे जहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा था वहाँ पे उनको रखा गया। पूरे उसके बाद हमारी टीम द्वारा पूरे फैक्ट्री में सर्च किया गया और लोगों से भी उनके स्टाफ के द्वारा से जानकारी की गई पूछताछ करके कि कोई और व्यक्ति इसमें फंसा तो नहीं है। पूरी तरीके से जब हम लोग इंश्योर हो गए कि नहीं अब इसमें कोई नहीं फंसा है, तो जो टीम फायर फाइटिंग कर रही थी उसके मदद के लिए रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। दोनों टीमों ने करके लगभग 10 गाड़ियों की मदद से और 45 से 50 हमारे स्टाफ के लोगों ने करके काफ़ी सूझबूझ अथक प्रयास से करके जो आग फैक्ट्री के एक भाग में फैली थी बाकी जो मेन फैक्ट्री है वहाँ पे फैलने से रोक लिया गया। पूरी फैक्ट्री को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। पूरी फैक्ट्री जो मेन फैक्ट्री थी जहाँ पे इनके बनते थे, जहाँ पे मेन इनका मशीनें लगी थी, वो सब सुरक्षित हैं। जहाँ पे इनकी पैकिंग था ये सब था वही सिर्फ जला हुआ है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फायर सर्विस ने बड़ी तत्परता के साथ और बहुत सूझबूझ के साथ कार्रवाई की, जिसके कारण बहुत बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई और फैक्ट्री लगभग 95% सुरक्षित बचा लिया गया।